एक बार खुली थी बस वो शौक के लिए, हाँ मेरे में सनरूफ है देखो बस उसके कभी नहीं। 90-100 में सीटर में कभी कभी ब्रेक लेते हैं या थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं तो थोड़ा सा स्टेबल स्टेबल थोड़ी सी कम है इसके मुकाबले। ठीक है, आपने हमने ही उनको वीडियो बनाना ये चीज बोला कि आप अपना नया एक वेरिएंट लेके आओ जिसमें फीचर हो। चाबी इसकी इतनी खूबसूरत है, मैं सोच रहा जैसे मतलब इतनी खूबसूरत चाबी तो मैंने मतलब किसी बड़ी बड़ी गाड़ी में भी देखी जैसे इसमें इन्होंने दे रखी है। भैया जो है ना पुश स्टार्ट बटन ढूंढ रहे थे तो मैं भैया से कह रहा था, मैंने कहा इसमें ये सब चीजें नहीं मिलती है गाड़ी में, आप चाबी लगाओ ये बुलेट है स्टार्ट करो और चल पड़ो। ओनर नहीं बताया था इसको बुलेट मान के, तो बुलेट लोग वो एक्सपेक्ट नहीं करते बुलेट है तो बुलेट। तो फीचर्स में पीछे ड्राइविंग कम्फर्ट और आपका परफॉर्मेंस, आपको टॉर्क अच्छा चाहिए कॉम्पैक्ट एसयूवीज में बहुत सी गाड़ियां हैं जो आजकल मार्केट में कंपटीशन जिनका बना हुआ है और उन्हीं गाड़ियों में से 3 गाड़ियों का हम ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं, कंपैरिजन वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। पहले भी आपने हमारे हर कंपैरिजन वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा लाइक किया है उन वीडियोस को, उसी लिए हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरिजन वीडियोस का कंटेंट लेके आना चाहते हैं। आज के वीडियो में हमारे पास फिर से 3 कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं जो 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ आती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, सिट्रोवेन हमारे पास C3 है जो 1.2 टर्बो के साथ आती है। अदरवाइज उसके अलावा दूसरी गाड़ी है काइगर की, रेनो काइगर जो 1 लीटर टर्बो में है, और मैग्नाइट निसान मैग्नाइट जो कि अगेन 1 लीटर टर्बो में है। इन तीनों के ओनर्स हमारे साथ अवेलेबल हैं। इन तीनों गाड़ियों को जो ओनर्स हैं वो एक दूसरे की कार्स को चलाएंगे, जो हमारा पैटर्न रहता है, जो हमारा एक्चुअली फॉर्मेट रहता है वीडियो का, और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली वो अपने एक दूसरे की कार्स को ड्राइव करके फीडबैक देंगे, अपने अपने ओपिनियंस देंगे कि उनकी कार से दूसरी कार जो है वो किस तरह से बेटर है या किस तरह से जो है वो थोड़ी कम है। इन तीनों कार्स का जो कंपैरिजन आज हम कर रहे हैं ये तीनों सिर्फ एक आपका माइंडसेट बनाने के लिए है। अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवीज लेने की सोच रहे हैं, इन तीनों गाड़ियों में से कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं, आपका जो माइंड है वो बन सके कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, किसी भी गाड़ी को ऊपर या नीचे दिखाना हमारा पर्पस नहीं है। तीनों गाड़ियां जबरदस्त हैं, टर्बो इंजन्स के साथ आती हैं, पावरफुल इंजन्स हैं। इस वीडियो को देखने के एंड तक अगर आप देखते हैं तो आपको ये जरूर डिसाइड हो जाएगा कि इन तीनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो इन तीनों के ओनर्स को मैं बुलाना चाहूंगा एक एक करके। सबसे पहले है सिट्रोएन C3 के गौहर, रेनो काइगर के कृषानु और निसान मैग्नाइट के सचिन। सबसे पहले गौहर से बात करते हैं। गौहर, कैसा लग रहा है कि आपकी कार को आज उसके कंपटीटर के साथ खड़ा देखकर? सबसे पहले तो अमन भाई आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा, आपने फिर से मुझे बुलाया अपने वीडियो में, अपने चैनल में, और काफी अच्छा लग रहा है। आपने आप बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और कंपैरिजन वीडियो से काफी लोगों को नॉलेज हो जाती है, कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन कर लेते हैं, तो थैंक यू सो मच मुझे दोबारा से बुलाने के लिए। कृषानु भाई जो है वो अपनी रेनो काइगर के साथ आए हैं। सो यहाँ पर मैं एक चीज और जो थोड़ा मिस कर गया था कि तीनों कार्स का ओनरशिप रिव्यू आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी देख चुके हैं। सो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक दे दूंगा। कृषानु भाई से कंटिन्यू करते हैं। कृषानु भाई, अगेन आपकी पावरफुल इंजन जो काइगर जो आप लेके चलते हैं उसके साथ साथ उसकी कंपटीटर आज खड़ी है साथ में। हाँ, तो अच्छा लगेगा, देखूंगा। मैंने तो सिट्रोएन तो ट्राई भी नहीं किया है तो फिर आज आपको पूरा मौका मिलेगा। और अगेन फिर एंड ऑफ द वीडियो हम लोग जो है बात करेंगे कि आपका जो डिसीजन है उसको आप अब उसी पे स्टैंड करते हैं या आपको लगता है कि शायद वो दूसरे को कंसीडर करना चाहिए था। सचिन से बात करते हैं। सचिन, अगेन सेम क्वेश्चन, तीनों कार्स खड़ी हैं, आपका जो स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स हैं मैग्नाइट के साथ में खड़े हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल एक्साइटेड हूँ मैं, देखते हैं आज कैसे रहता है। पहले काइगर तो चलाई थी बट वो नॉन टर्बो थी, वो नॉन टर्बो थी, तो सही कंपैरिजन आज पता लगेगा कि कैसे बाकी कार्स के सामने खड़ी होती है। तो पिछली बार जब हमने जब कंपैरिजन किया था तो काइगर नॉन टर्बो थी, तो सचिन भाई का ये कहना था कि टर्बो नॉन टर्बो का एक्चुअली में कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता, लेकिन आज तो एक 1 लीटर टर्बो है प्लस 1.2 लीटर सिट्रोएन है जो कि जानी जाती है परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो इसका यहाँ पर हम अपना ये जो इंट्रो है यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अपने फॉर्मेट की तरफ फटाफट से आते हैं जिसमें हम इन तीनों को कार्स को चलाने का मौका देंगे। सो यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी कार कौन चलाएगा। सो सचिन, आप कौन सी कार चलाएंगे? I'll go with Citroen. Okay. So सचिन Citroen चलाना चाह रहे हैं। Magnite. Okay. I will go with Kiger. आपके पास ऑप्शन Kiger की बचती है। ठीक है, तो सबसे पहले Magnite पे चलते हैं। Magnite जो है वो कृषानु ड्राइव करेंगे। आइए कृषानु, सबसे चलते हैं। सो जो कृषानु की Kiger है वो मैनुअल है, Citroen भी मैनुअल है, और हमारे पास जो Magnite है वो CVT है, ट्रांसिविटी ट्रांसमिशन के साथ है। तो सबसे पहले जो कार में बैठते ही फील आता है वो किस तरह का है? ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है? हेडरूम इसमें थोड़ा सा ज्यादा है काइगर से।
अच्छा, आपके अकॉर्डिंगली सीटिंग कंफर्टेबल है किशानु? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग सीटिंग कंफर्टेबल है, और मैंने थोड़ी सी सीट पीछे की है, बाकी आप पीछे देखो मेरे पीछे स्पेस काफी है। तो मेरे ख्याल से सचिन आपकी हाइट 5'10" के आसपास है, 5'9" 5'10" है, तो उस हिसाब से काफी स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। बाकी आपको इंटीरियर्स की बात करें अगर किशानु, अगर इसकी डैशबोर्ड फील जो आप बेसिक इंटीरियर है जो उसकी उसकी फील किस तरह से बोलूं, तो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो टाइगर की मेरे को ज्यादा पैनलिंग अच्छी लगी, मतलब इसका इंटीरियर ओवरऑल ये थोड़ा बेसिक है, और मेरे टाइगर में तो वो भी है ना एक वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, वो ऑप्शन है मैंने लिया नहीं। बाकी क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो मैं एग्जैक्ट उसके साथ पिकअप के साथ, क्योंकि ऑटोमेटिक में पिकअप थोड़ा ऐसे रेगुलेटेड लीनियर रहता है, मुझे तो बड़ा कन्वीनियंट लगा ये ऑटोमेटिक का। पहले मेरे पास मैनुअल थी होंडा की इमेज, तो उससे जैसे इस पर मूव किया तो दिल्ली में जैसे ट्रैफिक में चलाता हूँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस लगा मुझे कन्वीनियंस में। अगेन कॉस्ट भी तो मैटर करता है ना, कि आप मतलब एटलीस्ट टाइगर में क्या था कि जस्ट एवरीथिंग वाज सेम, सिर्फ द सीवीटी, फॉर द सीवीटी 1.5 लाख एक्स्ट्रा था। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इट वाज अराउंड 75,000। हाँ, तो टाइगर में वो 1.5 लाख का मेरे को उतना फिर डिफरेंशिएट किया यार, चला तो लिए, हालांकि आई थिंक मैंने आपको पहले बोला था मैं पहले दुबई में रह रहा था जी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ही चला रहा था, क्योंकि वहाँ चलाते हैं, वहाँ पे इतना प्रीमियम नहीं होता ऑटोमेटिक, एक्चुअली सभी ऑटोमेटिक चलाते हैं। तो यहाँ पे अब टॉप एंड ऑटोमेटिक एंड टॉप एंड मैनुअल के बीच में 1.5 लाख का गैप था, जो मेरे को काफी बड़ा डिफरेंस है। तो मेरे लिए वो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि चल यार, इतने दिन से अब 5 साल से चला ही रहा हूँ मैनुअल, तो चला लूंगा। तब सिग्निफिकेंट है, जैसे मेरे केस में मैग्नाइट में था अराउंड 75,000 का डिफरेंस, तो स्टिल मतलब लग रहा था कि रीजनेबल। किशानु, बाकी चीजें की बात करें, जैसे अब एसी जो है इस टाइम अच्छी खासी गर्मी है, हालांकि हम लोग काफी अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं, एसी अच्छे है, एसी मेरे पर मेरे जैसा ही, आई थिंक ये बटन भी एसी नॉब्स भी सेम है ऑलमोस्ट। हां हां, एकदम सेम है, थोड़ी सी तेजी में अगर मैंने चला दिया गड्ढे, आपको मालूम है गुड़गांव अचानक से गड्ढा जाता है रोड पे, तो थोड़ा इस पे शायद स्टीयरिंग की फील कैसे आ रही है आपको, स्टीयरिंग कितना स्टेरिंग मतलब लाइट है, फील अच्छी एक्चुअली स्टीयर, मेरे को लगा कि पूरे स्टीयरिंग में इन्होंने लेदर कवर दिया है जो कि टाइगर में नहीं दिया। हां, इवन दो टॉप एडिशन ही है मेरा। ओके, मतलब वो उसके सीवीडी में भी नहीं था, मतलब स्टीयरिंग की बात करें तो इसका स्टीयरिंग है भी सॉफ्ट साइड, बड़ा इजी, एक हाथ से वैसे करना नहीं चाहिए बट एक हाथ से भी यू कैन ऑपरेट इजीली, स्पीड इंक्रीज होती है तो उतना वेट आता है, वेट गेन करता है, ठीक है, वो होना भी चाहिए। राइट, तो क्या माइलेज आ रही है आपको इसमें अभी फिलहाल, जैसे आप अगर आप लेके जाते हैं हाईवे वगैरह पे? इट डिपेंड्स, अगर ट्रैफिक होगा तो आई थिंक 12 तक आ जाएगी। और एक और बात बोलूंगा, जो ये डैशबोर्ड है ना, ये टाइगर का थोड़ा मतलब आई वुड से बेटर, मतलब बेटर इज अ वेरी वो टर्म, बट आप खुद ही आप अगर ध्यान हो तो बहुत डिटेल्ड है, मतलब ठीक है, उसमें भी आता जैसे ये पूरा डिजिटल है, वो सब इंक्लूड करके 10.2, और इसका जो 11.1 कुछ 90 लाख का मुझे 90,000 का डिफरेंस, अदरवाइज अगर कोई कॉमन मैन लेता है तो इट विल बी अराउंड 11। अच्छा, और इसका जो टॉप वेरिएंट है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था? उसमें सिर्फ एक कनेक्टेड कार वाला डिफरेंस था कि वो फोन के थ्रू आई गेस कनेक्टेड हो जाती है। अच्छा, ठीक है, फोन के थ्रू कनेक्टेड मतलब कार कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, कनेक्टेड फीचर्स, ऐसे तो एप्पल कार प्ले वो सब तो है इसमें, ठीक है। और आप जैसे वायरलेस चार्जिंग बोल रहे हैं, और भी कोई डिफरेंस था? नहीं नहीं, सिर्फ एक कनेक्टेड कार वाला था जो आप फोन के थ्रू अपना सारा स्टेटस देख सकते हो घर में बैठे हुए। ओके, वो एक एक्स्ट्रा एडेड फीचर, ठीक है। अब अगेन क्योंकि हालांकि मैंने टर्बो मैग्नेट ट्राई मैनुअल में नहीं किया था, तो आई डोंट नो होगा कि नहीं, बट पिकअप टाइगर की सही है, और उसमें एक स्पोर्ट्स मोड भी आता है, मतलब नॉन स्पोर्ट्स मोड में भी इससे थोड़ा सा एकदम से ज़ूम आवाज आती है। इसमें स्पोर्ट्स मोड है, थोड़ा बहुत इंक्रीज मिलेगा, पर कोई ऐसा वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस नहीं होगा उसमें, स्पोर्ट्स मोड में फर्क पता चलता है, यहां से आप लेफ्ट ले सकते हो। दो तीन एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो मुझे लगे
मतलब मेरे काफी काम आए, एक तो क्रूज कंट्रोल उसको हाईवे पे मैं काफी यूज करता हूँ, बड़ा कन्वीनियंस बहुत ज्यादा हो जाती है ऑब्वियसली, मतलब क्रूज पे लगा के माइलेज का भी थोड़ा बेटर हो जाता है। माइलेज भी एक दो फीचर और इसके मुझे अच्छे लगे कि जैसे हिल होल्ड असिस्ट, वो मुझे माउंटेन्स में बहुत काम है कि कभी भी आप उसको छोड़ दो गाड़ी वापस नहीं जाएगी। और इसके अलावा एक इसमें 360 डिग्री कैमरा जो है वो पार्किंग में टाइट स्पेस में अगर पार्किंग करते हो तो उसका वो भी काफी कन्वीनियंट। 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे जो आता है ना रिवर्स, हाँ, रिवर्स में आई डोंट नो इनकी फिटिंग अलग है या एक्चुअली में पैनल बड़ा है पर, अच्छा पर पैनल थोड़ा सा बड़ा इनर स्क्रीन है वो भी बड़ी वो है? नहीं वो बड़ी नहीं लग रही, मतलब अब जब मैं देख रहा हूँ ना कि इनर स्क्रीन तो ऐसा लग रहा है कि वो तो ठीक ही है, मतलब ऐसे ही है। जो एसी का फ्लो है वो भी अच्छा ठीक है, पीछे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एसी का फ्लो सही है, एसी का फ्लो तो सही, थाई सपोर्ट वगैरह मिलता है वो भी सही है। अब अगर हम सचिन की हाइट देखें उसके हिसाब से अंडर थाई सपोर्ट सही है। मैं अगर ऑनेस्ट थॉट्स दूं तो बस इसकी स्पेशियस अच्छा है और सीवीटी का मतलब ग्लिच भी नहीं है, मतलब लीनियर पिकअप सही है ठीक है, बट यही है कि बस अब वो मैनुअल सीवीटी में फर्क है कि पता नहीं, पर उसमें थोड़ा सा पिकअप फास्ट होता है रेनो में और उसमें स्पोर्ट्स मोड में, और उसमें भी तो स्पोर्ट्स मोड के बिना ही बोल रहा हूँ मैं, स्पोर्ट्स मोड में तो थोड़ा आपने देखा हमने जब ड्राइव किया था तो इनफैक्ट हमने ये उसमें फाइंड आउट किया था कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, वो वैसे नॉर्मल में भी उतना ही फास्ट रहती है, फास्ट रहता है पर और इंटीरियर थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि इसका ज्यादा स्पेशियस है रेनो में, मेरा इंटीरियर ज्यादा इंटीरियर्स है बट थोड़ा सा क्लटर भी लगता है, हेडरूम मेरे को बेटर लग रहा है। बाकी मैं ये बोलूंगा कि जो ये फिनिशिंग वर्क्स है ना ये सब रेनो में मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है, इंक्लूडिंग ये जो देखने में मतलब ऑप्टिकली बता रहा हूँ, दोनों बहनों में जो है सनरूफ नहीं आती है तो आपको कोई जरूरत नहीं लगी। दिल्ली में कौन सनरूफ चला है, शोशाबाजी है, सर्दी में आप चला नहीं पाओगे, गर्मी में आप चला नहीं पाओगे, बारिश में ही चला पाओगे, तो वो सब वो बस गोवा बॉम्बे उन सब एरियाज में सही है जहाँ पे क्लाउडी क्लाउडी वेदर रहता है ना। और मैंने आपको शायद बोला भी था XUV 300 पहले चला रहा था ना तो उसमें तो थी सनरूफ, मैंने वो इसीलिए मेरे को वो पढ़ना क्योंकि मैंने थी मैंने एक बार खोली थी बस वो शौक के लिए, हाँ मेरे में सनरूफ है देखो ठीक है। आप दूसरी कार में चलते हैं, हाँ नॉर्मल मोड में भी जो पिकअप है और क्लच का जो मतलब एकदम क्लच छोड़ते ही जो एक्सीलरेशन इसने लिया है वो काफी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं इसने स्ट्रगल किया किसी चीज में। इनिशियल जो पिकअप है ना जो बहुत लो आरपीएम से एकदम से जबरदस्त पावर निकल के आती है, लोअर आरपीएम पे काफी अच्छा स्मूथ चल रही है गाड़ी जो कि मुझे पसंद है, मतलब जैसे लोअर आरपीएम में कई बार क्या होता है ना दबी होती है, हाँ दबी भी होती है और आपको थोड़ा सा गियर डाउन करना पड़ता है बार बार, तो वो चीज नहीं है इसके अंदर जो कि मुझे सिट्रोन में भी अच्छी लगती है, वो चीज इसमें भी काफी अच्छी है बेटर है। सो यहाँ पर क्रिशानु आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इसका जो लोअर आरपीएम पे पावर निकल के आती है तो क्रीप मोड या क्रॉल मोड जिसको बोलते हैं ट्रैफिक में वहाँ दिक्कत नहीं करती है, मतलब कि आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आती है बैलेंस चलाने में? हाँ बस आप नॉर्मल में कभी क्लच क्लच छोड़ के अगर थोड़ा सा शुरू में उनको एडजस्ट करना पड़ा था क्योंकि थोड़ा सा वो था, आप देख ही रहे हो पिकअप कैसे एकदम मुझे थोड़ा सा जो है ना मतलब सिट्रन से इसका कैबिन नॉइज थोड़ा सा ज्यादा लगा एक्चुअली है ना, सिट्रन में एक प्रॉब्लम है सिट्रन में जो है ना टायर्स का साउंड ज्यादा आता है बाहर वाला साउंड ज्यादा आता है, इसमें क्या है ना इसमें थोड़ा इंजन का साउंड मुझे ज्यादा लग रहा है, उसमें इंजन रिफाइंड ज्यादा मुझे लगा, मतलब जैसे अभी थोड़ा ड्राइव करते हैं तो इंजन साउंड नहीं आता है बाहर का साउंड आता है, बाहर का साउंड ज्यादा आता है, लेकिन इसमें क्या है ना जैसे अगर मैं गाड़ी को उठा रहा हूँ अच्छे पिकअप में तो इंजन मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मतलब साउंड कर रहा है थोड़ा सा, उतनी जितनी आवाज अगर सिटर्न में आवाज आती भी है सिटर्न में भी आवाज आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें नहीं आती आवाज ठीक है, लेकिन उस टाइम पे परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है इसके स्पोर्ट्स मोड में वाली चीज मुझे दिखे, तो अगर आप जैसे ये थर्ड गियर का एक्सीलरेशन है, थर्ड गियर के एक्सीलरेशन में अप्रोक्स 70-80 पे साउंड ये आने लगा, तो 70-80 पे जो है ना मतलब इतना ज्यादा साउंड आना नहीं चाहिए, मतलब सिट्रन के कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ ये मेरा अपना ओपिनियन है, लेकिन ये है कि परफॉर्म कर रही है गाड़ी, ऐसा नहीं है कि कोई वैसी चीज लग रही है, परफॉर्म कर रही है गाड़ी, गियर शिफ्टिंग भी थोड़ी सी सिट्रन में ज्यादा स्मूथ है ठीक है, ब्रेकिंग अच्छी है और गाड़ी में ब्रेक जब आदमी जैसे ब्रेक तो थोड़ा स्टेबल लग रही है मुझे, सिट्रन से ज्यादा स्टेबल लग रही है, 90-100 में सिट्रन में कभी कभी ब्रेक लेते हैं या थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं तो थोड़ा सा स्टेबल थोड़ी सी कम है इसके मुकाबले ठीक है। फीचर्स
जैसा मैं इसमें देख रहा हूँ, मुझे आपको पता ही सिटर्न में फीचर्स तो कुछ आते नहीं है। सिटर्न में फीचर्स की एक ऐसी चीज है जिसमें हम बात मतलब करेंगे तो वो थोड़ा इसमें अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक चीजें आती है। बिल्कुल, इसमें क्या है कि जो ये सारी चीज मुझे दिख रही है ना, ये मतलब थोड़ा प्लास्टिक क्वालिटी सिटर्न में ज्यादा बेटर है। ये वाली जो क्वालिटी होती है ना, ये थोड़ी सी मुझे सिटर्न में ज्यादा बेटर लगी। और बाकी ये है कि फीचर्स तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा हैं। उसमें नया मॉडल आ गया शाइन वेरिएंट, जो लोगों को शिकायत थी कि भाई अलॉय व्हील नहीं है, और ये वाला डे नाइट व्यू वाला दिक्कत थी उसके अंदर, तो वो अभी सिटर्न ने पूरी कर दी है। वो शाइन वेरिएंट वाली इशू थी वो भी रिजॉल्व किया। वो सारे आरवीएम सब कुछ उसमें मॉडल आ गया, उनका एक नया शाइन वेरिएंट आ गया है उसमें। मेरे वाले मेरा फील है उसके, अब पहले मेरा टॉप मॉडल था, वो शाइन टॉप मॉडल हो गया है। तो ये अच्छा है कि कंपनी जो है वो अपना सुन फीडबैक ले रही है कस्टमर्स का। हाँ, और जो बेसिक चीजों की मिसिंग थी उसमें वो चीजें उन्होंने पूरी कर। आपने हमने ही उनको वीडियो बना ये चीज बोला कि आप अपना नया एक वेरिएंट लेके आओ जिसमें फीचर हो, तो वो सारी आप डिफॉगर, रियर वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम, आपका हिल असिस्ट कंट्रोल, तो वो सारी चीजें जो एक हम थोड़ा लैक था पहले, वो सब पूरा कर दिया सिटर्न ने। ठीक है, बस मुझे जो है ना गाड़ी चलाने में जो है ना अमन भाई, मेरी एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है जो मैंने सिटर्न ली भी थी। हाँ। वो होते हैं कि तीन चार चीजें जो है, जैसे एक रेफ्रिजरेटर है उसका काम है ठंडा करना। हाँ। अब उसमें आजकल सिस्टम में एलईडी लगा के देते हैं, कोई दही जमाने वाला सिस्टम देते हैं, माइक्रोवेव का मेन काम है खाना गर्म करने का। बेसिक जो काम है वो करना चाहिए, बेसिक काम एक्सेलरेशन, क्लच ब्रेक, और एक सबसे मेन चीज स्टीयरिंग और आपका इंजन, और ये गियर शिफ्टिंग, ये सबसे ज्यादा आदमी करता है, क्योंकि मेरी ज्यादा रनिंग थी नहीं, तो मैंने उस हिसाब से मेरे लिए ये चीजें प्राइमरी है। तो जैसा अगर मैं इसमें देख रहा हूँ ना, मुझे जो सिटर्न में बहुत अच्छा लगता था वो इसमें भी मुझे लग रहा है। जो लोअर आरपीएम पे फील आता है ना, हम ट्रैफिक में है, ट्रैफिक में हम बहुत क्रॉल करके चल रहे हैं, तो पैर नहीं दुखता है। आप हल्का सा भी मतलब एक्सीलेटर दोगे या क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी चलने लगती है। तो वो चीज, दूसरी चीज ये है कि आपको बार बार गियर शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती है, वो आरपीएम पे भी मेंटेन करके चलती है टॉक अपना, और वहाँ पे फिर आपको बार बार गियर शिफ्टिंग। मेरा भी वन ऑफ द मेन मतलब विनिंग पॉइंट यही था। इसमें अमन भाई मैं एक चीज और मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा सिटर्न के कंपैरिजन में, जो कि शायद मैग्नाइट में भी नहीं होगा। इसमें जो है ना सिक्स्थ गियर नहीं है। नहीं। होता क्या है कि सिटर्न में मुझे जो मैंने एक्चुअली क्या था ना, मैंने सिटर्न लेने का मेरा रीजन क्या था, 8,15,000 का एक शोरूम प्राइस था। जो चीजें मुझे चाहिए थी उसमें थी, इंजन परफॉर्मेंस, स्पेस और ड्राइविंग डायनेमिक्स सारे अच्छे थे, और सिक्स्थ गियर ट्रांसमिशन था, सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन था। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम हाईवे पे जाते थे, मैं अभी फिफ्थ गियर पे आया, तो एक जगह पे जाके जो है ना गाड़ी बहुत क्रूज फील होती है कि सिक्स गियर होना चाहिए। हाँ, सिक्स गियर होना चाहिए, तो क्रूज कर लेती गाड़ी अपने आपको। आप 80-90 की स्पीड बहुत आराम से चल रहे हैं, गाड़ी क्रूज कर रही है, लॉन्ग हाईवे पे जो है ना लॉन्ग जर्नी, बड़ा मजा आता है। और सबसे मेन चीज उस सिक्स गियर की वजह से आपको एवरेज अच्छा मिलता है। मुझे हाईवे पे आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अगर प्यार से चलाई है गाड़ी तो 19-20 का भी एवरेज मिला। मुझे ये नहीं पता कि कितना देती है, क्योंकि वो तो भैया जानते होंगे बेटर, लेकिन मैंने 19-20 तक का भी बहुत आराम से निकाला हाईवे पे। हालांकि मैं परफॉर्मेंस वाइज मैं चलाता गाड़ी को उसी हिसाब से हूँ, क्योंकि आप जब हाई स्पीड पे चल रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे ब्रेकिंग जो है काम आती है, और उसपे कितनी स्टेबिलिटी रहती है गाड़ी की। हाई गाड़ी की स्टेबिलिटी है ब्रेकिंग में अच्छी है अमन भाई, स्टेबल है गाड़ी, बस थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा ब्रेक मतलब सिटर्न में ज्यादा बेटर है, रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी ये है कि हाँ, जैसे अब ये फिफ्थ गियर में आया, ठीक है ना, अभी हम मान के चलिए कि हम हाईवे पे हैं, स्पीड हो गई है हमारी 80-90, तो ठीक है, अब मैं गाड़ी को जाएगा लीवर पे, छठा गियर होना चाहिए। मतलब अब देखिए गाड़ी को थोड़ा सा मतलब, क्योंकि ये तो 1.0 लीटर इंजन है, 1 लीटर इंजन है। आरपीएम क्या जा रहा है गौर भाई, अगर 80 पे जाते हैं तो 2000 आरपीएम से ऊपर जा रही है गाड़ी। हाँ, आराम से 2000 आरपीएम से ऊपर जा रही है। यही छठा गियर होता तो वो 2000 के अंदर कंट्रोल हो जाता है, माइलेज में डेफिनेटली डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी की वजह से थोड़ा सा साउंड लग भी रहा है, उसी वजह से आरपीएम बढ़ जाता है, यही एक रीजन है कि साउंड उसमें फिर ज्यादा आता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है। आपने अच्छा, मैंने अभी नोट किया गौर भाई, आपने थोड़ा सा इसका जो है वो जिगजैग भी करके देखा था हल्का सा, जस्ट टू चेक द स्टीयरिंग और जो स्टेबिलिटी है गाड़ी की, उस वो किस तरह से लगी है? मुझे इस सिटर्न से ज्यादा स्टेबल लगी गाड़ी, सिटर्न से ज्यादा स्टेबल लगी। सिटर्न से मुझे थोड़ा सा
बैठने के बाद, क्योंकि ये बेसिकली ये टॉप मॉडल है और सिट्रन से बहुत महंगी गाड़ी है, मुझे ये पता है मेरे ख्याल से ये इसका आज की डेट में अगर हम ऑन रोड लेते हैं तो 1150 या 1160 की पड़ जाती है ऑन रोड, और मेरी गाड़ी जो ऑन रोड है वो 9.5 लाख की थी, 2 लाख रुपए का डिफरेंस मुझे अपने बजट में भी लानी थी। अगर मैं शाइन वेरियंट से भी कंपेयर करता हूँ उसको सिट्रन के, जो कि टॉप मॉडल है आज की डेट में जिसमें ऑलमोस्ट सारे ये वाले फीचर आ रहे हैं सिट्रन में जी, तो वो भी आपका मोटा मोटा 10-30 या 10-40 ऑन रोड आ जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा अपना एक प्राइस पॉइंट व्यू भी था थोड़ा सा गाड़ी को लेने का, तब भी एक लाख सस्ती पड़ती शाइन मॉडल 20 से। हाँ, शाइन मॉडल 20 से 1 लाख रुपए सस्ता है, हालांकि उसमें कुछ चीजें और भी नहीं है जो अभी भी मिसिंग है, अभी भी मिसिंग है, जैसे ये आपका कीलेस एंट्री हो गई, चाबी इसकी इतनी खूबसूरत है, मैं सोच रहा जैसे स्टार्ट चौखट नहीं मिलता, मतलब इतनी खूबसूरत चाबी तो मैंने मतलब किसी बड़ी बड़ी गाड़ी में भी देखी जैसे इसमें इन्होंने दे रखी है। कंपैरिजन वीडियो है तो मैं कंपेयर अगर करूँ उसको सिट्रन से, मेन जो हमारा फोकस है जी, तो वो यही है कि मैंने 8,15,000 एक्सशोरूम में मैंने गाड़ी ली थी, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन था और इससे बड़ा और पावरफुल इंजन था वो 1.5 लीटर तक भी टक्कर, बेसिक रीजन था, बेसिक रीजन था, और एबीसी जो मैंने आपको बताया एक्सीलेटर क्लच ब्रेक और स्टीयरिंग और ये आपका गियर ट्रांसमिशन गियर बॉक्स वो सब अच्छा है उसका सिट्रन का भी। अच्छा गौर भाई, एक जो और जो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जिस सिटिंग पोजीशन पे बैठे वहां से आपको बोनट विजिबिलिटी किस तरह की आ रही है और इसका आपका सिट्रन में किस तरह से आपका डिफरेंस रहता है? बोनट विजिबिलिटी सेम है सिट्रन की, इसकी सिट्रन में भी यहाँ पर स्कूप दिए हुए आपने देखे होंगे, इसमें भी थोड़ा सा डिजाइन इस तरीके का बनाया हुआ है तो वो स्कूप से मिल जाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा क्या है ना, बोनेट में डिफरेंस क्या है, इसका बोनेट थोड़ा इस तरीके से शेप है आगे, डिप करता है, डिप करता है आगे, तो सिट्रन में क्या ना प्रॉपर खड़ा, एक तो उसके वो स्कूप ऊपर की तरफ निकले हैं, आपको आइडिया रहता है। हाँ, उसमें बिल्कुल स्कूप ऐसे निकले हुए ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा और कॉर्निंग में भी आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे यहाँ तक है, इसमें थोड़ा डिप है। जब मैग्नाइट आई थी गाड़ी, ठीक है, इससे पहले मैग्नाइट आई थी, उस टाइम पे जिस प्राइस पॉइंट पे मैग्नाइट आई थी बहुत खूबसूरत लगती थी, मतलब उस टाइम पे बलिनो स्विफ्ट यही बिकते थे सब ये सारे, तो मुझे मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे मेरा मन भी था कि मैं अगर मेरे पास बजट होगा मैं मैग्नाइट लूंगा क्योंकि मैं नई गाड़ी, उसके बाद क्या हुआ ये आ गई काइगर, फिर लुक में ये अच्छी लगने लगी क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मुझे मैग्नाइट से बेटर लुक लगता है, इसका थोड़ा भी मैचो लुक है, उसका रियर लुक बहुत प्यारा है, जो उसकी टेल लाइट है, ऊपर स्पॉइलर है, आगे जो इन्होंने एलईडी हेडलैम्प दे रखे हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी गाड़ी, जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं है, जिस प्राइस पे कंपनी ने वायरलेस चार्जिंग दे रखी है, वायरलेस चार्जिंग है ना, बिल्कुल वायरलेस चार्जिंग दे रखी है कंपनी ने, मतलब इसमें ऑलमोस्ट जो फीचर होते हैं देखिए एक प्रॉपर आपको अच्छी बड़ी कार वाला फील आता है, डिजिटल मीटर है, मेरे में तो ये सब चीजें मिसिंग है, बहुत छोटी छोटी भी चीजें मिसिंग है मेरे में। वो कैसे आपका पैनल जो मतलब ऑडियो कार प्ले ये सब है? हाँ, ये 10.1 इंच की उसमें टच स्क्रीन है, उसमें क्या है ना उन्होंने जो मेजर चीजें थी वो तो डाल दी है, छोटी छोटी चीजें सारी खा गए वो, और वहीं उन्होंने पैसे बचाए क्योंकि फ्री में तो कोई भी नहीं देगी गाड़ी बना के। व्हील बेस उसमें थोड़ा सा बड़ा है सिट्रन में, लेकिन इसकी हाइट और विड्थ और लेंथ तीनों बड़ी है गाड़ी से सिट्रन से। हेडरूम भी आप देखें तो सफिशिएंट हेडरूम, हाँ बहुत अच्छा हेडरूम है, मेरी 5'11" हाइट है तो अच्छा हेडरूम, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है गाड़ी बहुत अच्छी है हर तरीके से, मैं रिकमेंड करूंगा। इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग भी 4 स्टार दोनों की रेटिंग आ चुकी है, दोनों की 4 स्टार रेटिंग है, बहुत अच्छी सेफ्टी रेटिंग इसमें। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। भैया जो है ना पुश स्टार्ट बटन ढूंढ रहे थे तो मैं भैया से कह रहा था, मैंने कहा इसमें ये सब चीजें नहीं मिलती है गाड़ी में, आप चाबी लगाओ, ये बुलेट है, स्टार्ट करो और चल पड़ो, इसमें ज्यादा फीचर की उम्मीद मत करना कि आपको ये भी मिलेगा। अच्छा, वो भी मिलेगा। सही बताऊं तो मेरे ख्याल से सचिन भाई को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट सिट्रन में ही था, इसी में था, इसी में था उनको। सचिन भाई आप अपना इंटरेस्ट आप ये समझ लीजिए, आपकी गाड़ी आप जैसे मर्जी चलाइए, मेरी तरफ से बिल्कुल खुली छूट है आपको, आप पूरा टेस्ट कीजिए अपने हिसाब से। ठीक है सचिन भाई, सबसे पहली फीलिंग कैसी है यार गाड़ी में बैठते, क्योंकि ये गाड़ी जो है थर्ड हमारी सिट्रन जो है ये थोड़ी डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम मैग्नाइट एंड काइगर, तो इंजन वाइज भी डिफरेंस है, इंटीरियर फीचर सब कुछ डिफरेंस है, बस एक ये है कि हाँ 1.2 टर्बो में आती है। सबसे पहला फील मैं आपसे इंजन का भी नहीं पूछूंगा, वो आप चलाएंगे तो अपना फीडबैक दीजिए, लेकिन आप बैठते सारे एक फील आता है वो कैसा है? सीट पे बैठ के एकदम मस्त फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बकेट टाइप की सीट होती है। अच्छा। अंदर एकदम घुस के बैठते हैं इसमें। वो बेसिकली क्या है ना, सिट्रन ने दिया तो कुछ है नहीं, इन्होंने वही गेम खेला के मेरा कम्फर्ट हमारा कम्फर्ट हमारा कम्फर्ट, तो वो सीटिंग उन्होंने उस हिसाब से कहीं ना कहीं कंफर्टेबल सीटिंग थी। लॉन्च में भी बात की गई थी, वो सबसे ज्यादा उन्होंने कंफर्ट बोला, ये चीजें बहुत ज्यादा करी थी, और सबसे ज्यादा जो उनका हाइप रहता है वो सस्पेंशन को लेके रहता है। तो सचिन भाई थोड़ा सा ना ऑफ रोड पे निकलेंगे, सस्पेंशन जरूर इसके चेक कीजिएगा, सस्पेंशन पे बहुत बात होती है सिट्रन के। स्क्रीन काफी अच्छी लग रही है, 10 इंच की इसकी, 10.2 इंच की, 10.2 इंच की इसकी स्क्रीन है,
जो कि इस सेगमेंट में सबसे बड़ी स्क्रीन है। इस सेगमेंट के अपर सेगमेंट में भी बड़ी है, 10 इंच की स्क्रीन अभी तक बड़ी है। अब आनी शुरू हो गई है कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों वायरलेस बड़ी बात है। आप देखेंगे जैसे मैं अभी बैठा हूँ तो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों, तो मेरे पास एंड्रॉइड भी है एप्पल भी है, तो दोनों कनेक्ट है, मैं कोई सा भी यूज कर सकता हूँ। और शिफ्ट भी बहुत इजीली हो जाता है। अच्छा, बहुत इजीली, मतलब आप क्लिक करेंगे एक मिनट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, कोई लैग या किसी भी तरीके का कोई लैग नहीं है। जो उन्होंने चीज बनाई है वो बहुत सही बनाई है, बहुत इन्होंने जितना दिया है ना वो भी अच्छा दिया है। जो नहीं दिया वो बिल्कुल, जो नहीं दिया वो बिल्कुल हटा दिया, उन्होंने पैसे वहाँ बचा लिए। बल्कि मैं सचिन भाई से बताऊंगा, थोड़ा सा शायद इनको आइडिया हो है या नहीं मुझे पता नहीं है। इसमें जो है ना 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है। अच्छा, तो उसका थोड़ा सा वो भी चीज, क्योंकि वो नहीं है मैग्नाइट में और काइगर में, तो वो भी चीज एक बार आप फील करना। तो इंजन तो पावरफुल है इसका, अभी थोड़ा सा एक्सेलरेट करके देखा, इंजन तो जबरदस्त है। इंटीरियर्स ऐसे ही है जैसे मेरी मैग्नाइट के, थोड़े डाउन साइड पे, तो वही है कि अब जैसे ओनर ने बताया इसको बुलेट मान के, तो बुलेट लोग वो एक्सपेक्ट नहीं करते, बुलेट है तो बुलेट। हाँ, मैं अपने रिलेटिव भी, मेरे जैसे बहुत से हैं ना मेरे फ्रेंड वगैरह रिलेटिव, वो कहते हैं यार इसमें ये, मैंने कहा भाई देख बुलेट सेट कर देते। हाँ, मैं पहले बोलता हूँ मैंने बुलेट है चला के देख, चलाने के बाद बताइए कैसी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। और फिर ये भी है अमन भाई के, आप खुद सोचिए, मैंने अभी तो खैर ये गाड़ी महंगी हो गई, ये फील वेरियंट भी जो है 8,28,000 का हो गया, जब मैंने लिया था 8,15,000 का एक शोरूम प्राइस था। तो उस टाइम पर 1.2 लीटर टर्बो इंजन के साथ, ये परफॉर्मेंस डायनेमिक्स के साथ और 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कोई गाड़ी अवेलेबल उस टाइम पे भी नहीं थी और आज भी नहीं है उस प्राइस रेंज में। अगर मैं इसका शाइन वेरिएंट भी देखूं 8,90,000 का एक शोरूम, तो वो भी आज भी वो कंपेयर नहीं कर सकते आप उसको, मतलब उसका जो इंजन का परफॉर्मेंस है, उसका ट्रांसमिशन और उसके ड्राइविंग डायनेमिक्स को देख के। और ये कहीं ना कहीं निसान मैग्नाइट से और काइगर से नया लुक था इसका, जब मैंने ली थी उस टाइम पे वो गाड़ियाँ ऑलमोस्ट एक एक साल दो दो साल पुरानी हो चुकी थी कहीं ना कहीं, तो ये बिल्कुल फ्रेश आई थी। लोग ने जब मैं लेके आया, लोग पूछते थे मेरे से भाई ये कौन सी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक है क्या है ये क्या। अब तो इसकी इलेक्ट्रिक भी आ गई। हाँ, अब तो इनकी इलेक्ट्रिक भी आ गई, अब थोड़ा सा लोगों को जान भी गए। और जब मैं लेके आया था उस टाइम पे सेकंड कार थी सिट्रोन की इंडिया में, अब सिट्रोन ने ऑलरेडी 2 कार और भी लॉन्च कर दी है, पीछे भी एक और कार। हाँ, अभी C3 इसकी एयरक्रॉस, अब सेम इंजन के साथ उन्होंने बड़े क्रेटा वाले सेगमेंट में एंट्री की है, जो की मोर देन कंपनी मतलब इंडियन मार्केट को लेकर काफी सीरियस नजर आ रही है। आने वाले टाइम में हमें और भी कार देखेंगे। डर लगता है, 2 बार आके जा चुकी है पहले भी। अच्छा, क्योंकि मैंने इनके ऊपर वर्किंग करी थी गाड़ी लेने से पहले। हाँ, लग रहा है कि सर्विस को देख के, सर्विस बहुत अच्छी, मतलब हालांकि सर्विस सेंटर नहीं है इनके, लेकिन जब हम जाते हैं जहाँ पर हैं तो वो अच्छे से अटेंड करते हैं और अच्छे से सुनते हैं और कभी भी किसी चीज को मना नहीं करते। कंपनी छोटी है, ग्रो कर रही है जी, तब तक तो वो डेफिनेटली अच्छे सर्विसेज देंगे, बट आई होप कि आगे भी दें। जैसे निसान का भी अभी जब तक उनके प्रोडक्ट कम है तो सर्विस अच्छी है, बहुत अच्छा। मतलब ये यहाँ पे आपको हेडरूम मिल रहा है, अच्छा। यहाँ पे शोल्डर भी स्पेस काफी सही है और सीटिंग भी बहुत कंफर्टेबल है। बाकी आप बताओ ड्राइविंग आपको कैसी लग रही है? तो इसकी ये पोजीशन फिक्स्ड है ना ड्राइवर सीट की? हाँ, नहीं, आप ये एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है, दोनों तरफ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सही है, विजिबिलिटी भी सही है, बोनेट विजिबिलिटी सही है, एंड टू एंड भी दिख जाएगा। ओके, इनफैक्ट इसके जो है आपके रियर वेंट्स भी नहीं है, बट स्टिल पीछे अच्छी खासी कूलिंग हमें फील हो रही है। फैमिली के साथ जाता हूँ जैसे मन भाई मैं कभी, तो पीछे जो भी बैठे होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एसी का फ्लो भी अच्छा है और कूलिंग भी काफ़ी अच्छी है। वही इन्होंने जो छोटी जितनी भी बेसिक बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, वो उन्होंने काफ़ी बेटर अच्छी बनाई हुई है। जी भाई, थोड़ा सा रेव करके आप चेक करेंगे, मतलब इसको मैंने किया, पुश तो काफी अच्छा है। स्टीयरिंग का फील कैसा आ रहा है? सिंपल है, स्टीयरिंग भी सिंपल है, आपकी हाथ में पकड़ अच्छी बन रही है। आप लाइक बहुत है ना कि आपके हाथ में जब स्टीयरिंग दिया जाता है तो उसकी फील, पकड़ की फील से ही आप फिर गाड़ी की ड्राइव करने का तरीका बदल जाता है। प्रीमियम फील नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा इस पे अगर कुछ लेदर रैप टाइप कुछ दे सकते हैं तो थोड़ी अच्छी फील आएगी, बट अदरवाइज स्टीयरिंग के मूवमेंट स्मूथ है, वैसे ठीक है। हाँ, गियर शिफ्टिंग वगैरह किस तरह की है? गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है। लो एंड टॉक की बात करें, लो एंड टॉक नो डाउट बहुत अच्छा है, सब सही है। एक मुझे इसके थोड़ा ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ा कम लग रहा है, हल्का सा, अगर वैसे सफिशिएंट है अगर हम वैसे देखें और हैचबैक और गाड़ी के मुकाबले, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे काइगर से और मैग्नाइट से तो मेरे हिसाब से कम है उनका। आई थिंक शायद मैग्नाइट में 200 mm का होगा शायद, 205 है। हाँ, इसमें 190 mm है। अच्छा, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं कम है, इसलिए सचिन भाई को शायद बिल्कुल सही लग रहा है, बाहर से देखने में लग रहा था, बट ऐसा सिटी के लिए सफिशिएंट है। हाँ, आप हार्डकोर ऑफ रोड जाएंगे तो वहाँ पे लग सकता है, 190 mm एक सफिशिएंट होता है। हाँ, अगर हम
कंपैरिजन वाली बात जब चल रही है, कंपेयर हम कर रहे हैं तो उससे मैग्नाइट और टाइगर से दोनों से कम है। इसे बोल रहा था सस्पेंशन इसके बहुत जबरदस्त है, वो इसीलिए इन्होंने क्या करा ना, थोड़ा सा गाड़ी का जैसे ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा रखा, सस्पेंशन थोड़े से कहीं ना कहीं सॉफ्टर साइड है, थोड़ा सा इसलिए स्टेबिलिटी में भी इसकी हल्की फुल्की सी कमी आ जाती है इस वजह से। इसमें क्या है ना, एक अगर जैसे हम तीनों गाड़ी की बात करें ना, थोड़ा सा जब ली थी तो मैंने भी कंपेरिजन तो किया ही था, मैग्नाइट में फिर भी आपको लोअर मॉडल के अंदर टर्बो मिल जाता है, टाइगर के अंदर तो आपको टर्बो स्टार्ट ही कम से कम एक शोरूम 10 लाख से होता है। तो थोड़ा सा वो भी था क्योंकि बजट में भी लेके आनी है चीज। तो एक अंडर 10 लाख में अगर हम टर्बो की बात करें तो दिस इज द ओनली ऑप्शन। अंडर 10 लाख में मेरे ख्याल से मैग्नाइट भी आ जाती है, मुझे मतलब इसमें थोड़े से कम रेंज वाले मॉडल भी हैं टर्बो में, मतलब बेस और बेस से ऊपर वाला, लेकिन उसमें थोड़ा सा शायद अपर वेरिएंट में ही टर्बो है इसलिए वो महंगी भी है गाड़ी फीचर्स के साथ है। लेकिन हाँ ये है कि अगर हम ऑल ओवर जितने भी इंडियन मार्केट में कार्स हैं, अगर मैं शाइन के अकॉर्डिंग, आज शाइन आ गया, शाइन जो उसका अपर वेरियंट है 8,892 एक्स शोरूम है, तो उस प्राइस रेंज में नहीं है कोई इस तरीके का इंजन इस परफॉर्मेंस के साथ तो नहीं है। तो इसके लिए, इस गाड़ी के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन सही होनी चाहिए। हाँ। कि आपकी परफॉर्मेंस वाइज आपको जबरदस्त, आपको क्या चाहिए आपकी वो जो है वो क्लियर होनी चाहिए। हाँ। तो आप इस कार के पूरे फीचर्स में जाना है तो फिर और, हाँ। और फिर आपकी चॉइस होनी चाहिए कोई। हाँ। पर अगर आपके लिए कंफर्ट, ड्राइविंग कंफर्ट और आपका परफॉर्मेंस, आपको टॉर्क अच्छा चाहिए तो गो फॉर दिस। तो यहाँ पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस खत्म हो गया है, तीनों ने एक दूसरे की गाड़ियों को चला लिया है, अपना अपना फीडबैक भी शेयर कर दिया है। फाइनल कंक्लूड करते हैं वीडियो को, एक छोटा छोटा जो है दोनों सबसे समराइज करते हैं। सो सबसे पहले चलाई थी कृषानु भाई ने, और कृषानु आपने चलाई थी मैग्नाइट। मैग्नाइट जो है वो टाइगर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम प्लेटफॉर्म है, सेम इंजन है, और सिर्फ फीचर्स का फ़र्क है, डायमेंशंस का थोड़ा सा फ़र्क है, इंजन ट्यूनिंग में एक अच्छा फ़र्क है मैं ये मानूंगा। कैसी लगी मैग्नाइट? अगर आप मतलब गाड़ी लेने से पहले टर्बो मैग्नाइट को ट्राई करते तो एक कंसिडर करते एक। मैं अकेला ही चलाता हूँ तो मेरे लिए इसका लुक आज भी बेटर है। हाँ। मतलब मेरे को पर्सनली अपना अपना चॉइस होता बिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को सबसे अपना ये लुक जो है बेस्ट लग रहा है, और जो इनिशियल पिकअप है। हाँ। वो मेरे लिए बेटर है। अगर फैमिली कार होती एंड या फिर वैसा कुछ होता तो शायद मैं सोचता मैग्नाइट के लिए, पर अगर 70% ऑफ द टाइम मैं अकेले चलाऊंगा, बाकी 30% में से भी सिर्फ दो ही जने होंगे गाड़ी में, तो मेरे लिए अभी भी मतलब। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि आपने जो पैसा खर्चा आज भी आप उस पर स्टैंड करते हैं, एंड वी रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि सबकी अपनी अपनी हार्ड अर्न मनी है और सबने अपनी अपनी चॉइस से जो है वो चीज़ें ली हैं, सारी चीज़ें ट्राई करके ली हैं। अब आते हैं सचिन पे, दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन एक डिफरेंट तरीके की आपको इंजन मिला आज टर्बो में, 1.2 सिट्रोएन। बिल्कुल। तो सिट्रोएन का एक पहले आपने ड्राइव नहीं किया था उस टाइम जब आपने ली थी, तब सिट्रोएन मार्केट में थी भी नहीं, ठीक है, उसके बाद मौका नहीं मिला। आज जब सिट्रोएन चलाइए कैसा डिफरेंस आया अपनी मैग्नाइट के कंपैरिजन में? मैग्नाइट के कंपैरिजन में ऑब्वियसली पावर तो उसमें ज़्यादा फील हो रही है, इनिशियल जो पुश है, एक्सेलरेशन है लो एंड पे वो बेटर है, और उसके अलावा मैनुअल काफ़ी दिनों बाद चलाई तो वो भी सही लगा। मतलब थोड़ा सा जो आपको लैग होता है जब गियर रेशो आपकी स्विच होती है, तो वो मैनुअल में आप उसको अपने कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से मैनुअल ठीक है, थोड़ा सा अपर हैंड है उसका। तो दूसरी तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ 6 स्पीड के साथ आती है, तो एक 6 स्पीड में क्या? 6 स्पीड अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, हाईवे पे हाई स्पीड पे क्रूज कर रहे हो, तब आपके लिए मैटर करेगा। हाँ। अगर आपकी मोस्टली ड्राइव सिटी में है तो फिर डजंट मैटर। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपका वो आरपीएम कम करके आपको एवरेज थोड़ी अच्छी देगा, फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली। गौहर भाई, अपनी जो है सिट्रोएन के बाद आपने चलाई टाइगर, तो एक स्पेसिफिक रीज़न, टाइगर का जो लो एंड टॉक है वो ज़बरदस्त है, कहीं ना कहीं 1 लीटर होने के बावजूद भी वो एक अच्छी टक्कर देता है 1.2 टर्बो को, कितनी इस बात से आप अग्री करते हैं, आपको कैसा फील हुआ टाइगर को चला के? बेसिकली क्या है, गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, गाड़ी लुक्स में भी अच्छी है, क्योंकि लुक्स का तो वैसे पर्सनल ही मैं समझता हूँ सब्जेक्टिव है, तीनों गाड़ी लुक्स में मैं ये नहीं मानता कि कोई भी कम है, हर किसी की पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से अगर आप देखेंगे मैग्नाइट की भी लुक्स अच्छी है, टाइगर की भी लुक्स अच्छी है, सिट्रोएन की भी लुक्स। इनफैक्ट आपने बोला भी कि आप एक बार आपका प्लान था। हाँ, मैं जब मैग्नाइट आई थी मैंने बताया भी, मैग्नाइट जब आई थी मुझे वो गाड़ी पसंद आई थी बजट के अकॉर्डिंग, और ये गाड़ी मुझे लुक्स में बहुत अच्छी लगती है, और उसके बाद ये सबसे फ्रेश लुक है, क्योंकि ये गाड़ी कहीं ना कहीं से पहले आई हुई है, पुरानी गाड़ी है, रोड पर आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, रोड प्रेजेंस बनती है। लेकिन जब बात आती है कि मैंने जब ये गाड़ी ली थी तो मेरा कुछ एक पर्सनल 2-3 चीजें थी, जैसे कहीं ना कहीं तो बजट, इन गाड़ी से आप देख ही रहो मेरी गाड़ी कितनी सस्ती है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस वैसे भी आ रहा है, और इंजन मुझे ज्यादा बेटर मिल रहा है इन दोनों से कहीं ना कहीं, जैसे ऑलरेडी भैया ने बताया, सचिन भाई ने बताया। तो क्या है कि अगर आप वैसे देखेंगे कहीं ना कहीं 6 स्पीड ट्रांसमिशन मुझे मिल रहा है,
जितना मेरा रनिंग है, बहुत ज्यादा मेरा रनिंग नहीं है, 10-15 किलोमीटर मैं चलाता हूँ, तो मुझे फीचर्स का मैं ज्यादा यूज कर भी नहीं सकता कि कम से कम मैं गाड़ी में दिन में 2 घंटे तो बैठू जब मैं जाके फीचर्स का फायदा लूँ। तो अगर मैं वैसे देखूँ तो कहीं ना कहीं चलाने में अभी भी सिट्रन का तो मुकाबला है नहीं, इन दोनों गाड़ी चलाने में तो उसी में ही जो अलग मजा है ना वो अभी भी उसी में ही। तो प्राइस पॉइंट एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल इसको एक स्टैंड करती है इन दोनों कार से अलग। प्राइस का कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं दोनों से सस्ती है। इनके एक अगर ऐसे बोल दिया जाए कि 1.2 लीटर आपको 9 लाख में मिल रहा है, सो दैट इन इटसेल्फ इज अ मतलब बहुत अच्छी एक प्रोपोजिशन बन जाती है ना। मतलब बाकी चीजें फिर उसके बाद आती है, आपको 1.2 लीटर की इंजन 9 लाख में मिल रहे हैं। हाँ, 1.2 टर्बो इंजन क्या है ये, 100 पीएस की पावर देता है, वो 110 पीएस की पावर देता है, ये देती है 170 न्यूटन मीटर टॉर्क, आई थिंक वो देती है 190 न्यूटन मीटर टॉर्क। लेकिन क्या है ना कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको डिमोरलाइज कर रहा हूँ गाड़ी को, ऐसा नहीं है। ये गाड़ी अपनी जगह अगर किसी की फीचर की रिक्वायरमेंट है वो कभी सिटर्न नहीं लेगा। जिसकी रिक्वायरमेंट जैसे सचिन भाई को ऑटोमेटिक की रिक्वायरमेंट है वो कभी मैनुअल गाड़ी लेंगे नहीं। दूसरी बात है, सचिन ने एक चीज और बोली कि अगर मुझे फीचर्स भी चाहिए गाड़ी में, तो अगर फीचर्स में देखूंगा तो फिर मैं फिर इसी इस तरह की ही गाड़ी में जाऊंगा। चाहे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा सचिन आप मैग्नाइट से काइगर में स्विच कर जाते, बट पॉइंट ये था कि आपको फीचर्स चाहिए गाड़ी में। आप रॉ गाड़ी में अगर सस्ती भी आ रही है, लेट से 1-1.5 लाख सस्ती भी है, तो फिर भी आपको कंसिडर करेंगे या वो नहीं? मेरा अपना एक्सपेक्टेशन अलग है। हाँ। तो मुझे फीचर्स भी चाहिए थे, एक फैमिली कार थी जिसमें फैमिली को भी थोड़ा, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे भी जाता हूँ मैं पहाड़ों में माउंटेन्स में, और मेरा होम टाउन भी यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वो सब कंसिडर करते हुए कि मुझे फैमिली के साथ चलना है, मेरे लिए फीचर्स तो ज़रूरी थे। तो अभी भी इसके लिए जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट, आपको एक अच्छी पंची कार चाहिए, फीचर्स इतना मैटर नहीं करते, तो यू विल गो विद दैट। वो ही मैं कंक्लूड कर रहा था कि लुक्स तीनों गाड़ी का अच्छा है, मैं लुक्स में ये नहीं बोलूंगा कि ये कौन सी बेटर, तीनों गाड़ी लुक्स में अपनी जगह बहुत अच्छी है। दूसरी बात, जो जिस प्राइस रेंज में तीनों जस्टिफाई करती हैं, अगर आप मार्केट से कंपेयर करेंगे ना, तो ये तीनों गाड़ी कहीं ना कहीं ये अच्छी, निसान मैग्नाइट की सेल भी अच्छी हुई है, काइगर की भी अच्छी हुई है, सिटर्न अभी नहीं है, आगे ग्रो करेगी जैसे भी अभी मार्केट में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही है। कंपनी ने इसका शाइन वेरियंट भी लॉन्च कर दिया है। कमी है सर्विस सेंटर, सिटरन अपना बढ़ा ले, 4 प्रोडक्ट इन्होंने कर दिए, थोड़ा सा अपना सर्विस सेंटर बढ़ा ले। काइगर को क्या पॉइंट देंगे? काइगर को भी मैं बोल सकता हूँ कि 8.5 मैं इसको दे सकता हूँ, 8.5 मैंने जानबूझ के दिया क्योंकि उससे थोड़ा सा इसको ज्यादा देना है, वो इसलिए क्योंकि इसकी थोड़ा सा मतलब ये है कि जिस जो उसका अंदर का थोड़ा सा फील आता है बैठने के बाद, वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रीमियम फील कराता है। दूसरी चीज ये है कि इंजन भी इसका ठीक ठाक है, प्राइस के हिसाब से अच्छा इंजन है, और लुक्स भी गाड़ी के अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा इसका मुझे रियर लुक, जैसे एलईडी टेल लैंप है, एलईडी हेड लैंप है, तो वो थोड़े से मुझे बहुत प्यारे हैं आगे। अगर आप हेडलैम्प्स पे हेडलैम्प्स बहुत प्यारे लगते हैं, रात में इसकी टेल लाइट बहुत अच्छी लगती है, और स्पॉइलर वगैरह कंपनी ने मतलब इसमें कंपनी ने पूरा इसको स्पोर्टी बनाया हुआ है बहुत हर तरीके से। उसी पे टिका रहूंगा, 8 and 8.5 बोलूंगा। मेरा सिट्रोन का 8 ही रहेगा। तो जैसे मैंने बताया आपकी एक्सपेक्टेशन, इन्होंने भाई ने बताया कि अगर आपको बुलेट चाहिए तो बुलेट में आप बाकी सब चीजें नहीं देखते कि वो बुलेट बिना इलेक्ट्रिक स्टार्ट के भी बिकती है। जिन्होंने लेनी है वो लेंगे। तो इसकी यूएसपी है इसका इंजन, तो बट अदरवाइज फीचर्स की कमी है, इसलिए मैं इसको 8 दूंगा। ठीक है। काइगर आपने अभी नहीं चलाई है बट वैसे चलाई हुई है, तो काइगर भी मेरे लिए सेम है। जैसे जितना मैं अगर इसको 8.5 दे सकता हूँ कि इसकी थोड़ा सा अंदर से इंटीरियर इससे बेटर है मैग्नाइट से, और लुक्स में भी ये कलर स्पेसिफिकली ये इसमें ज़्यादा जच रही है। ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो तीनों कार्स का, जो ऑलमोस्ट एक ही सेगमेंट में लाई करती हैं। हालांकि सिट्रोएन का यहाँ पर थोड़ा सा एज रहता है टर्बो में, इंजन थोड़ा सा ऊपर है, बट कहीं ना कहीं फीचर्स में ये दोनों गाड़ियाँ ऊपर हैं, तो वहाँ पर जो सिट्रोएन है वो थोड़ा सा पीछे रह जाती है। हालांकि अब कंपनी ने जो है एक और स्टाइल वेरियंट भी निकाल दिया है, डेफिनेटली उस पर प्राइस हाइक भी हुआ होगा। और ये तीन कार्स अगर आप लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा, मन बना लिया होगा कि कौन सी गाड़ी जो है आपको कंसिडर करना चाहिए। तीनों भाइयों का यहाँ थैंक यू करना चाहूँगा, सचिन, कृषानु, गौहर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अर्ली मॉर्निंग गुड़गांव में हम लोग 7 बजे ये वीडियो शूट स्टार्ट किया था, अभी तो 9 बज रहे होंगे, तो ये हमने बहुत अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था। एफर्ट लगता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम लगता है। तीन लोग इतनी दूर से आए हैं चैनल पर, तो
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हम लोग हमेशा कंटेंट इस तरह का लाने की कोशिश करते हैं जिसमें आपका कुछ बेनिफिट हो सके अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं। तीनों के पास फ्री होल्ड था, किसी तरह का कोई ऐसा नहीं था कि कुछ बोलना है क्या नहीं बोलना है। तीनों ने अपनी चॉइस से जो उनको ठीक लगा वैसा उन्होंने अपने फीडबैक जो है हमारे साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, गौहर भाई का अपना एक चैनल है लैंड एंड इन्वेस्टमेंट करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप नोएडा या दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप उस चैनल पे जाके देखिए, बहुत अच्छी वीडियोज़ जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड गौहर भाई डालते हैं अपने चैनल पर। सो आप उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं उनका नंबर भी डाल दूंगा नीचे। सो यहाँ पर अपने वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ मैक्सिमम जितना हो सके, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज अगेन एफर्ट लगता है यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।